नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बाबा अथर्वादे। मैं आसन आसन एक और मोटा पेट मोटा है वो ये वाली जो दातर है सीधे करो और फिर वेलकम टू द किड मस्ती शो। जैसे कि आपको पता है कि आज योगा डे है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ठीक से योगा करना। अथर्व ने तो पता नहीं कैसे गलत सलत ही सिखा दिया। बटरफ्लाई आसन। सबसे पहले हमें पैरों को जॉइन करके उनको हाथों से पकड़ना है, फिर हमें पैरों को बटरफ्लाई की तरह हिलाना है। ये बच्चों की इम्यूनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम। फ्रेंड्स, इस योगा में आपको सबसे पहले कमर सीधी करके बैठना है और फिर तेजी से नाक से सांस छोड़नी है। और फ्रेंड्स, याद रखना, जब आप सांस छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये योगा करने से फ्रेंड्स आपका वजन भी कम होता है और ये आपके लंग्स और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम। इस योगा में आपको सबसे पहले अपने हैंड्स रब करने हैं और फिर अपने फिंगर्स फेस पर लगानी है। इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर और थंब ईयर्स के अंदर, और फिर आपको भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। योगा से आपकी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। उत्कट आसन। ताड़ासन में खड़े हो जाएं और अपनी बाजुओं को ऊपर की ओर खींचें और अपनी हथेलियों को जोड़ लें। फिर अपने घुटनों को झुकाएं और सामने की तरफ देखें, जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो। ये आसन करने से आपकी थाई और बैक स्ट्रॉन्ग होती है। ऊर्ध्व मुख शवासन। पेट के बल लेट जाएं और इसके बाद अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखें, फिर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। फिर धीरे से नीचे आ जाएं। ये योगा आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रेंड्स, आज फादर्स डे भी है ना। फ्रेंड्स, मैंने अपने पापा के लिए ड्राइंग बनाई है, देखो। इसमें एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ अथर। देखो, मैंने अपने पापा के लिए भी बनाया है, मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं अपने पापा के लिए एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। मेरे पापा कितने अच्छे हैं, सदा सोचती रहती हूँ।
वे कितनी मेहनत करते हैं यही देखती रहती हूँ। जैसे भी हालात रहे हो मुझे लाड से पाला है, मेरी हर फरमाइश को छट से पूरा कर डाला है। कभी पुकारे कुड़िया कहकर, कभी बुलाते सोन परी, डांट आज तक नहीं लगाई, बातें करते प्यार भरी। मेरे अच्छे अंक देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे गहरी चिंता में खो जाते हैं। जिस दिन उनकी ये बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, कोई चिंता कोई उलझन फिर कैसे टिक पाएगी। मेरे पापा सुखी रहे ये ध्यान सदा मैं रखूंगी, जैसे भी हालात रहे सम्मान उनका ना कम होने दूंगी। जैसे भी हालात रहे सम्मान उनका ना कम होने दूंगी। लव यू पापा। आप सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे मेरे प्यारे पापा। आप सभी लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाली बेल घंटी भी दबा देना ताकि आपको पता चल जाए हर नई वीडियो कब आई है। हम मिलेंगे आपको एवरी संडे 4 PM। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड